कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश के कई विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों को गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ी राहत दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों आदि को वापस जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच यानी कि स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी भी कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो ही उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा उन्हें वहीं रोक लिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलते रहे। वहीं नियम के मुताबिक जिन बसों में लोगों को भेजा जाएगा उन्हें राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। साथ ही बस में क्षमता से अधिक लोग नहीं बैठा सकेंगे। बस में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। साथ ही लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच करेगी। इसके बाद उन्हें घरों में क्वारंटाइन रहना होगा। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1813 नए मामले सामने आए। वहीं 71 लोगों की मौत भी हुई है, जो अब तक एक दिन में मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों का कुल संख्या 33,050 के पार हो गया है, जिसमें से एक्टिव केसेस हैं 23,651, जबकि 8,324 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। यही नहीं, इनमें से 1,074 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसलिए अगर आप में से कोई भी घर जाने के लिए तैयारी कर रहा है तो आप इन बातों को जरूर ध्यान से सुने और उस पर अमल भी करें। साथ ही अगर ये न्यूज आप देख रहे हैं तो दूसरों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस बात से अलर्ट हो सके कि उनको घर जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। साथ ही अगर खबर अच्छी लगी तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर हमारी खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद।